मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के यंग स्विमर और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपियन श्री हरि नटराज की। जी हां, श्री हरि नटराज आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं जल्द ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, जिसका ये दूसरा एडिशन रहने वाला है और साथ ही पहली बार श्री हरि नटराज इन यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा रहेंगे। बात करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और बेंगलुरु में ये खेले जाएंगे। वहीं श्री हरि नटराज रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे होस्ट जैन यूनिवर्सिटी को इन यूनिवर्सिटी गेम्स में। साथ ही उन्होंने काफ़ी बड़ा कारण बताया है इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कम्पीट करने का कि इस चीज़ से, इन रेसेस से उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है, वो उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें शामिल है कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2022। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर वो किस किस इवेंट में कंपीट करेंगे, तो वो रहने वाले हैं 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर फ्री स्टाइल, उसके अलावा 100 मीटर फ्री स्टाइल और बाकी रिले इवेंट्स में भी श्री हरि कंपीट करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहे और साथ ही उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्टअप हो, क्योंकि अपकमिंग टाइम में काफ़ी सारे बड़े टूर्नामेंट्स में वो आप सभी को इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। और उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से जुड़ी हुई अगर कोई और अपडेट आती रहेगी और साथ ही जैसे कि मैंने बताया 24 अप्रैल से ये खेल शुरू हो जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको टाइम टू टाइम हर चीज की न्यूज देते रहेंगे, उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन।